मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दो दिवसीय दौरे पर उमरिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वे सत्ता में वापस आए हैं। ये सरकार गरीबों, किसानों और जनता की सरकार है। वे जनता का विश्वास नहीं टूटने देंगे। उमरिया दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से मुलाकात की और कहा कि वह 15 महीने के वनवास के बाद वापस आए हैं। यह जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा उनकी सरकार गरीबों, किसानों और आदिवासी भाई बहनों के लिए कार्य करेगी। जनता का विश्वास वे टूटने नहीं देंगे। वे जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। शिवराज ने कहा वन से रोजगार मिले, इस विषय को लेकर कार्य किया जाएगा और इस रोजगार से उमरिया के लोगों को फायदा मिलेगा। हमारे वन मंत्री भाई पॉइंट साहब जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता साथी पदाधिकारी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भाई भाइयों, जनजाति गौरव दिवस का मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। आज तो आप 81 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्पत्ति हो गई है, परमानेंट हो गई है। बहुत साल के बर्बाद के बाद हम फिर लौटे आए, लेकिन लौटे हैं तो जनता की भलाई के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए। और मेरे ट्राइबल आदिवासी जनजाति भाई बहनों के भी कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए हम सबसे काम करेंगे। आज एक योजना बनाने हम बैठ रहे हैं, वनों से कितने रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए जा सकते हैं। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।